हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं होम साइंस का अपना एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कम्युनिकेशन। ठीक है, जिसे कि संचार भी कहते हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पॉइंट। तो सबसे पहले देखिए कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता क्या है, एक कॉमन भाषा में आप लोग बताइए। देखिए, जब दो व्यक्ति अपने विचारों और अपनी भावनाओं का, ध्यान दीजिएगा, अपने विचारों एवं अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो वो क्या कहलाती है, वो प्रक्रिया कहलाती है संचार। ध्यान दीजिएगा, वह प्रक्रिया संचार कहलाती है। फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट। तो देखिए, कम्युनिकेशन जो है लैटिन भाषा के कम्युनस से बना है। कम्युनिकेशन शब्द अंग्रेजी भाषा का है, लेकिन ये बना किससे है, तो ये बना है लैटिन भाषा के कम्युनस शब्द से। ठीक है, जिसका अर्थ है, जिसका मतलब है, कम्युनस का मतलब है कि अपने विचारों एवं अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करना। तो संचार प्रक्रिया में क्या होता है कि दो लोगों की जरूरत होती है। ये ध्यान रखिएगा कि जो संचार प्रक्रिया है वह हमेशा दो लोगों के या दो लोगों से ज़्यादा के बीच में होती है। एक व्यक्ति जो है वह संचार नहीं कर सकता, ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। इसके लिए दो लोगों का होना बेहद ज़रूरी है। एक तो जो बोलेगा यानी कहने वाला, और दूसरा जो होता है वो सुनने वाला। ध्यान दीजिएगा, कहने वाला और सुनने वाला। अपने विचारों तथा भावनाओं का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। देख लेते हैं आगे इसके अंग कौन कौन से हैं। ध्यान दीजिएगा, संचार के अंग कौन कौन से हैं। तो इसके अंग है, देखिए, संचार का माध्यम, संचार की प्रक्रिया और संचार के साधन। ये है इसके अंग, किसके, कम्युनिकेशन के। तो देखिए, संचार का माध्यम कौन कौन सा है। मुख, यानी कि मुंह, हम बोलते हैं, ठीक है, उसका माध्यम है मुंह, पहला है मुंह। फिर उस प्रक्रिया, देखिए, मुंह जब हम बोलते हैं तो कैसे माध्यम क्या, हवा, यानी हवा बोलेंगे, ठीक है, तो वो ना दिखाई देगा, वो सुनाई देगा। तो हवा के माध्यम से जो है वो सामने वाले के पास पहुंचता है। तो इस मुख का जो संचार माध्यम है मुख, और इसकी प्रक्रिया क्या है, हवा, और साधन क्या है, बोलकर। ठीक है, मुंह से हम लोग बोलते हैं तो वो क्या, हवा के माध्यम से ही तो सामने वाले के पास जाएगी। इसलिए संचार माध्यम क्या है, मुंह, उसकी प्रक्रिया हवा, और साधन है बोलकर। इसी तरीके से देखिए, हाथ क्या है, हाथ, अभी मैं ऐसे एक्टिविटी कर रही हूँ तो आप लोग देख रहे हैं ना, ठीक है, तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी, देखना, ठीक है, आंखों से देखना, यानी यह दृष्टिगत है। और क्या है, हाव भाव, जैसे अभी मैं एक्टिविटी कर रही हूँ तो ये क्या है, हाव भाव। चेहरा को भी हम लोग देखते हैं तो इसका क्या होता है, भाव, यानी चेहरे का जो फेशियल एक्सप्रेशन, यानी जो फेस का एक्सप्रेशन, से ही हमें पता चल जाता है कि सामने वाला गुस्सा है, सामने वाला खुश है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं आँख भी क्या है, देखकर, दृष्टिगत है, देखी जाती है, और संचार का साधन है देखना। कान, यानी हम लोग सुनते हैं, ठीक है, संचार प्रक्रिया है सुनकर, और इसका साधन है सुनना। पैर है, दिखाई देता है, और इसका संचार साधन है हाव भाव। इस तरीके से ये क्या है, यह संचार के अंग है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बढ़ेंगे संचार यानी संदेश का आदान प्रदान। तो संदेश का आदान प्रदान कैसे होता है, तो संदेश का आदान प्रदान तीन तरीकों से होता है। किन किन तरीकों से, देखिए, लिखकर, यानी लिखित, मौखिक और सांकेतिक। जो संदेश होता है, यानी जो संदेश होता है, जो विचार एवं भाव होते हैं, उनको तीन तरीके से हम लोग अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि लिखना, लिखित, मौखिक बोलकर, और सांकेतिक यानी कि संकेतों के द्वारा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। लिखित में कोई चीज़ लिखकर, मौखिक, सांकेतिक में एक एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं, जैसे कि आप लोग सड़क पे चलते होंगे तो जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं, ट्रैफिक पुलिस क्या बोलते हैं, नहीं, वो क्या करते हैं, वो संकेत करते हैं। तो जो गाड़ी चलाता है तो उसको समझ में आ जाता है कि हाँ, ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक जो होते हैं वो, ट्रैफिक पुलिस, अगर उन्होंने इस तरीके से हाथ किया तो हमें रुकना है, अगर ऐसे हाथ किया तो हमें चलना है। तो ये क्या हो गया, ये सांकेतिक भाषा हो गई। ठीक है, और एक और तरीका है, डीफ एंड डम लोगों की जो भाषा होती है वो क्या होती है, वो भी सांकेतिक ही होती है। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के कुछ प्रमुख तत्व हैं, कुछ ऐसे तत्व जिनके बिना कम्युनिकेशन जो है संभव नहीं है। जैसे कि पहला है सूचना, यानी बिना किसी सूचना, बिना किसी विषय वस्तु के, बिना किसी सब्जेक्ट के हम लोग जो है दूसरे से बात नहीं कर सकते। जब तक हमारे पास कोई टॉपिक नहीं रहेगा
तो ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी तो हम दूसरों से क्या बात करेंगे। ठीक है, तो यह सूचना है इसका प्रमुख तत्व। दूसरा है संदेश यानी विषय वस्तु। संचार का माध्यम यानी किस माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं को एक्सप्रेस कर रहे हैं, लिख कर, बोल कर, संकेतों के द्वारा, तो ये क्या है, संचार माध्यम। और लास्ट है हमारा सूचना ग्राहक। सूचना ग्राहक मतलब सूचना ग्रहण करने वाला, यानी हम जिससे बात कर रहे हैं हमारे सामने कौन है, वो क्या है, सूचना ग्रहण, यानी हम जो बोल रहे हैं या लिख रहे हैं या संकेत कर रहे हैं, सामने देखने वाला या सुनने वाला भी तो कोई होना चाहिए, क्यों। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रमुख जो है एलिमेंट है। एलिमेंट याद रख लीजिएगा। ठीक है, और संदेश कितने तरीके से हम लोग संदेशों का आदान प्रदान कर सकते हैं, तो तीन तरीकों से कर सकते हैं, लिख कर, बोल कर और संकेत के द्वारा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब हम लोग देखेंगे कुछ मॉडल। ठीक है, कुछ शिक्षा शास्त्रियों के मॉडल देखेंगे और उन्होंने कैसे कैसे कम्युनिकेशन के माध्यम बताए हैं, इनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं संचार प्रक्रिया के कुछ मॉडल को। ठीक है, डिस्कस करेंगे कि कुछ शिक्षा शास्त्रियों के मॉडल को और जानेंगे इससे और डिटेल में कि संचार क्या है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पुराना मॉडल किसका है, तो अरस्तु का है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पुराना मॉडल अरस्तु का है। इन्होंने संचार के कितने तत्व बताए हैं, इन्होंने संचार के तीन तत्व बताए हैं। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि अरस्तु ने संचार के कितने तत्व बताए हैं, तो इन्होंने संचार के तीन तत्व मॉडल को दिया है। कौन कौन से, चलिए देखते हैं। तो पहला है वक्ता, दूसरा है भाषण और तीसरा है श्रोतागण। ठीक है, यानी वक्ता यानी कि संदेश देने वाला। ठीक है, एक संदेश देने वाला, दूसरा होता है संदेश को ग्रहण करने वाला। ठीक है, और बीच में क्या है कि संदेश क्या है। ठीक है, संदेश क्या है, तो इन्होंने तीन तत्व बताए हैं, वक्ता, भाषण और श्रोतागण। अब आगे देखते हैं केनेथ ब्रुक मॉडल। केनेथ ब्रुक ने इन्होंने संचार के पांच तत्व बताए हैं। पांच तत्व कौन कौन से, आइए इनको भी देखें। कार्य, पृष्ठभूमि, संचारक, संचार माध्यम और उद्देश्य। तो देखिए, इनका ये विचार था कि जो संचारक होता है वह अपने अनुभव के आधार पर, ठीक है, अपने अनुभव के आधार पर ही अपने विचारों एवं भावनाओं को व्यक्त करता है। तो इनका मेनली उद्देश्य क्या था, अनुभव के आधार पर जो संदेश होता है वो क्या होता है, वह अनुभव आधारित होता है। यानी व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस के बाद ही, सोच के, समझ के ही सामने वाले को कुछ बोलता है, तो अनुभव आधारित होता है। और देखिए क्या है, संचार माध्यम, या ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो कम्युनिकेशन है, संचार में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अगर कोई प्ले करता है तो वो करता है संचार का माध्यम। यानी कि कौन से माध्यम से, किस वे से हम बात को कहते हैं। तो इनका ये मानना था कि संचारक जो होता है अपने अनुभव के आधार पर अपने विचारों एवं भावनाओं को व्यक्त करता है। और माध्यम कैसा होना चाहिए, तो माध्यम वही होना चाहिए जिससे कि जो सुनने वाला है, यानी जो हमारे सामने सुनने वाला है, वो उसका सही अर्थ निकाले। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बोल दिए तो किसी भी बात का, देखिए, दो अर्थ निकलता है। ठीक है, एक तो जो वो कहना चाहता है उस तरीके से अगर जो सुनने वाला है वो नहीं समझे, वो अपने तरीके से मतलब निकाल ले। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि सामने वाला हमारी बातों का गलत अर्थ ना निकाले। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम अपनी बातों को किस माध्यम से व्यक्त करें, ऐसे माध्यम को चुने जो कि जिस रूप में हम कहना चाहें तो वो उसी रूप में समझे, ना कि गलत अर्थ में। इस तरीके से संचार का माध्यम जो है वह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अपना फ्रैंक ई एरिक्सन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फ्रैंक ई एरिक्सन ने क्या माना है, तो इन्होंने संचार का नृत्य मॉडल, ध्यान दीजिएगा, संचार का जो नृत्य मॉडल है वो किसने प्रस्तुत किया है, तो फ्रैंक ई एक्स ने। तो इनका ये कहना था कि जो संचार होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, वो लट्टू के समान घूमता है। ठीक है, लट्टू के समान घूमता है। इसका जो दायरा होता है, संचार का जो दायरा होता है, वह अनिश्चित होता है। यानी कि इस तरीके से हम लोग उसको बांध नहीं सकते संचार को। ठीक है, तो इनका मानना था कि यह संचार का जो दायरा होता है वह अनलिमिटेड होता है, अनिश्चित होता है। तो इस तरीके से देखिए, इन्होंने संचार का नृत्य मॉडल जो है वह प्रस्तुत किया है। जैसे व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर अपने विचारों एवं भावनाओं को जो है व्यक्त करता है। तो आई होप कम्युनिकेशन का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो आप लोगों को पसंद आए। तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ले आऊँगी कि जो होते हैं
संचार के कुछ और टॉपिक्स ले आऊँगी, ठीक है। तुम आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।